हेलो गाइस, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज जो नोटिफिकेशन के मैं बारे में जो है आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट एंड अकाउंट्स के पदों पे जो है रिक्वायरमेंट आई है, और इसका जो है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी जो है स्टार्ट हो गया है। और ये जो वैकेंसी है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी NBE की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। और इस नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जो आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं कि फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रखी गई है, एग्जामिनेशन कब तक हो पाएंगे, यानी A to Z जो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में जो है आपको मिल जाएगी। बच्चा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो को जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है, और ये जो वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर अकाउंट्स के पदों पे जो है रिक्वायरमेंट आई है। और इस फॉर्म का लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है 15 तारीख से, यानी 15 जुलाई 2021 को जो है इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो है वो स्टार्ट कर दिया है, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 14 अगस्त 2021। 14 अगस्त तक जो है आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। और वहीं इसकी बात करते हैं कि इसका जो है एग्जामिनेशन कब तक हो पाएगा, तो इसकी भी एग्ज़ाम की डेट भी जो है वो आ चुकी है 20 सितंबर 2021 को जो है इसका एग्जामिनेशन जो है वो हो जाएगा, और इसका एडमिट कार्ड जो है वो सितंबर में ही आ जाएगा। वहीं बात करते हैं फ़ीस की, फ़ीस कितनी कितनी रखी गई है। जनरल OBC वाले बच्चों से जो है 1500 रुपये चार्ज ले रहे हैं, लेकिन प्लस GST 18% जो है आपको GST देना होगा। वहीं बात करते हैं SC ST वाले बच्चों से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनके लिए जो है ये फॉर्म रहने वाला है। इसकी मिनिमम एज तो दे नहीं रखी है, लेकिन मिनिमम एज जो है 18 से 27 ईयर तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज जो काउंट की जाएगी 14/8/2021 तक जो है वो एज काउंट की जाएगी। वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी 42 वैकेंसी है, टोटल 42 वैकेंसी है। और वैकेंसी कहाँ कहाँ आई है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फर्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हो तो 8 वैकेंसी आपको इसमें टोटल मिलेगी। बैचलर ऑफ डिग्री यानी ग्रेजुएशन की इसमें जो है आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास, चाहे मैं कोई भी स्ट्रीम से किया हो, कॉमर्स से किया हो, आर्ट से किया हो, साइंस से किया हो, बस आपके पास जो है स्नातक की जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए। सेकंड पोस्ट की बात करें तो जिसमें 30 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, एंड 10+2 इसमें चाहिए, 12 पास इसमें आपको चाहिए होगा, लेकिन आपके पास जो है इसमें कंप्यूटर का एक जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। वहीं बात करें तो अकाउंट्स की, जूनियर अकाउंट्स की बात के बारे में बात करते हैं, बैचलर ऑफ डिग्री इन कॉमर्स में जो है इसमें आपको चाहिए मैथ्स के साथ जो है इसमें आपको मैथ्स या स्टैटिक्स के साथ जो है इसमें आपने पढ़ाई करी हो ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ये जो है तीन प्रकार की जो इसमें पोस्ट थी, 42 जो है इसमें जो है पोस्ट है टोटल, और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी जो है इस वैकेंसी को बांट रखा है। वो सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में आप देख लेना। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो है इसका स्टार्ट हो गया है, जिसकी लास्ट डेट जो है 14 अगस्त 2021 जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। तो यही सारा जो है पूरा जो है नोटिफिकेशन है, आप इसको जो है एक बार और वीडियो को देख लेना, बाकी सारा कुछ जो है मैंने इसमें बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वैकेंसी के बारे में तो आपको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, और आपका जो है मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।